वहीं कटिहार में लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से पालन करवाने के लिए डीएम और एसपी खुद कमान संभाली है। लॉकडाउन का जायजा लेने डीएम और एसपी अन्य अधिकारियों के साथ सड़क पर उतर गए। शहर के कई इलाकों का जायजा लेने के बाद डीएम ने बताया कि दुकानें तो लगभग बंद है, लेकिन सड़कों पर भीड़ को लेकर अभी कुछ परेशानी है। वहीं एसपी ने कहा कि बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। मुख्य उद्देश्य कभी नहीं भूलना चाहिए, मुख्य उद्देश्य कोरोना को हराना और चेन को तोड़ना, उसी के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो लॉकडाउन का पालन सभी लोग करें, आपके चैनल और सभी प्रेस बंधुओं के माध्यम से यही अनुरोध करेंगे सभी कटिहार की जनता से कि लॉकडाउन का अनुपालन करें। बिल्कुल आवश्यक ना हो तो बिल्कुल नहीं निकलें घर से, और निकलें तो मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी रखें और हाथों को धोते रहें। ये आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं। आगे भी हम लोग इस प्रकार की जांच अलग अलग भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भी हम लोग करते रहेंगे। टाउन के बाहर भी जाके हम लोग कभी भी करेंगे ताकि इसका अनुपालन अक्षरता अनुपालन हो सके। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी कोई कानून लगाया गया क्या? ट्रांसपोर्टेशन में अभी ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है विद 50% कैपेसिटी। उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि बस में जो सीटिंग कैपेसिटी है या टेम्पो में जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके 50% से ज़्यादा लोग उसमें नहीं बैठे। ट्रांसपोर्टेशन को